हेलो फ्रेंड्स, मैं माँ भगवती सिलाई केंद्र से सुनीता सिंह। आज मैं आपको जो हम लोग खाना बनाते हैं, रसोई में जो काम करते हैं, उसके लिए हम एप्रन टेप बनाएंगे, जो हम एप्रन बांध के खाना बनाएं। और वैसे भी बर्तन वगैरह धुलने में हमें ये एप्रन हमारे कपड़ों की सुविधा रहेगी, कपड़े साफ रहेंगे हमारे, तो उसमें हमारा एप्रन काम करेगा। तो आइए हम बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एप्रन के लिए हमें 1 मीटर से भी कम ही कपड़ा चाहिए। ये हम हाफ एप्रन बनाएंगे। एप्रन दो तरह के होते हैं, फुल और हाफ। ये हम हाफ बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने इस कपड़े को 2 फोल्ड में कर लिया है। अब हम इसकी जो लेंथ लेंगे, हम इसकी लेंथ 25 इंच लेंगे। 2 इंच की हमें इसके ऊपर बेल्ट लगानी है। और जो हम इसकी चौड़ाई लेंगे, ये देखिए 32 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा ही इसको कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कट कर लिया है। अब हमें जो इसके ऊपर बेल्ट लगानी है, बेल्ट के लिए ये देखिए हमने ये ब्लैक कपड़ा लिया है। आप चाहे कोई भी कलर लगा सकते हैं। इसमें ब्लैक की मैचिंग हो रही है, ग्रीन की भी मैचिंग हो रही है, तो मैं इसमें ब्लैक लगाऊंगी। ब्लैक इसके लिए हमने ये पट्टी कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये 3.5 इंच के करीब है, 4 इंच है, हल्का सा कम है। तो ये पट्टी हमारी ये 2 फोल्ड करके ऐसे लगानी है हमें। इसके लिए हमें क्या करना है, बेल्ट जो हमें चाहिए हम ऐसे करके नाप लेंगे, क्योंकि हमें ये बांधना है पीछे। ऐसे करके हम नाप लेंगे तो हमें जितना चाहिए, देखिए इतना हमें लगभग ये चाहिए। तो इसके हिसाब से हम इसमें ये बेल्ट लगाएंगे। हम इसमें ऊपर की साइड प्लेटें डाल लेंगे ऐसे करके। एप्रन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें हम इस तरह से देखिए, इसमें हम प्लेटें डाल लेंगे। पूरे में ही हमें प्लेट डाल लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट डालने के बाद हम इसके ऊपर जो ये है बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को ये देखिए, बेल्ट के हम 3 हिस्से कर लेंगे। मान लीजिए हमारी बेल्ट 12 इंच की है, तो उसमें से आधा हम 3 इंच 3 हिस्से करेंगे 12 में से, तो 4 4 इंच आएगा हमारा। मान लीजिए हमारी ये 22 इंच की है, तो फिर हम इसके 4 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से एक हिस्सा इधर छोड़ेंगे, एक इधर, बीच का हिस्सा जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, इसको हम नाप लेंगे ऐसे करके। देखिए ये ऐसे करके नाप लेंगे, और ये हम अपना दोनों साइड बेल्ट का बांधने के लिए, दोनों साइड हमारी ये इतनी इधर छूट जाएगी और इतनी इधर छूट जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे, और ये बेल्ट जो है हमारी हल्का सा निशान लगा लेंगे हम ऐसे करके। और ये देखिए, ऐसे करके लेंगे हम इसको, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ पर जब हमारा सेंटर आ चुका है, तो हम यहाँ ऐसे करेंगे, ये कपड़ा यहाँ रखेंगे, इसके अंदर ऐसे रखेंगे। ऐसे करके हम यहाँ सिलाई चलाते रहेंगे। एप्रन बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी किनारी है तीनों साइड की, ये हमें फोल्ड करनी है ऐसे करके। इसको हम ऐसे करेंगे, हल्का हल्का सा हम तीनों साइड से मोड़ देंगे। नीचे की साइड से हम 1 इंच करीब मोड़ेंगे। नीचे चाहे तो हम इसमें झालर भी लगा सकते हैं, फ्रिज लगा सकते हैं, और लेस भी लगा सकते हैं। आप जैसे भी चाहे इसको बना सकते हैं डिज़ाइनर करके। फ्रेंड्स ये देखिए, अपन बन के रेडी हो चुका है। इसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और